चीन के वुहान से निकला कोरोना वायरस दुनिया के हर देश में फैल चुका है, जिसकी वजह से अब तक दुनिया भर में 6,14,00,000 लोग संक्रमित हो गए, तो वहीं 14,40,000 लोग इस महामारी से जान गवा बैठे हैं। अमेरिका और चीन के बीच कोरोना को लेकर रिश्ते सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए, वहीं पूरी दुनिया में लगभग कई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा, हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो गए, अर्थव्यवस्था को गहरी चोट लगी, तो वहीं इस कोरोना वायरस ने लाखों की जान भी ले ली। चीन दोगली नीति पर चल रहा है। चीन की वुहान लैब से वायरस की उत्पत्ति हुई, चीन इस बात से इनकार करता रहा। लगभग दुनिया के हर देश में कोरोना फैलाकर चीन अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता था, ताकि मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाइयां सप्लाई कर वो दुनिया पर राज कर सके, लेकिन उसका ये सपना भारत ने तोड़ दिया। हिंदुस्तान ने धीरे धीरे चीन के आयात पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया, एप्स बैन कर दिए गए, ठेके कैंसिल कर दिए गए। इन सब कदमों से चीन भारत के इन निर्णयों से बौखला गया। पूर्वी लद्दाख में चीन ने हिमाकत करने की कोशिश की तो भारतीय सैनिकों ने उसे कड़ा जवाब दिया। इन सब के बीच चीन तिल मिला गया है और अनाप शनाप बयान जारी कर रहा है। चीन के वैज्ञानिकों ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चीन के वैज्ञानिकों का आरोप है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति भारत से 2019 को हुई थी। वैज्ञानिकों की ये आरोप चीन की बेबसी और झल्लाहट को दर्शाता है, जहां भारत उसे राजनीतिक, सैन्य, कूटनीतिक, व्यवसायिक क्षेत्र में उसे पछाड़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज।